अपना, बिकॉज ये लोग बीच बीच में कुछ अपने घर वालों से भी बात करते हैं. ठीक है ठीक है. और मुझे एनोटेशन भी ये करके दीजिए ऑन. Okay, so what I was explaining you about the necrosis. So this can be asked in your board exam. Okay, what is necrosis? जब cell die होता है, जब cell मरता है because of any injury, या फिर it can be n number of reason. कोई भी reason हो सकता है, कोई harmful chemical के वजह से, या फिर जो आप ये सब जो कुछ भी junk foods खाते हो इसके वजह से भी जो अच्छे अच्छे cells है दे die off. Now when you take this soft drinks like the coca coke and all, to usse bhi cells jo hai wo marte hain. So that condition is called as necrosis. Theek hai, to some cell of our body cell, they die not randomly but they die in a careful and controlled way. To ek to maine aapko necrosis explain kiya jiske andar cell die hota hai because of injury. मैं दूसरा क्या टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऐसा भी कंडीशन होता है कि जब सेल जानबूझ के मरता है बट इन अ कंट्रोल्ड वे एंड अ केयरफुल वे. तो वो कंडीशन में जब सेल मरता है पर इन अ कंट्रोल्ड एंड अ केयरफुल वे, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब सेल खुद से कंट्रोल्ड वे में डाय होता है. एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग, तो ये जो फिंगर्स होते हैं ना सब फ्यूज्ड होते हैं. ये फिंगर्स में हमारे गैप नहीं होता है. जब भी अर्ली एम्ब्रियोनिक हम 3 या 4 महीने का जो बेबी देखेंगे ना वूम के अंदर, तो उसमें जो उंगलियां होती हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं. पर हाँ, एपोप्टोसिस के कारण ये सेल जो है, जो उंगलियों के बीच में जो सेल्स है, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसके कारण एक डेफिनेट शेप मिलता है हमारी उंगलियों को. तो ऐसे डेथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो सुसाइड करता है, तो उसको हम सेल्युलर सुसाइड भी बोलते हैं. See, anybody is having any doubt now, you can ask me, you can in the chat box. ठीक है, आप लोग मुझे लिखकर मैसेज कर सकते हो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, नाउ सो अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग दैट देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू टॉपिक्स इन द डेथ ऑफ द सेल. इन वन, व्हेन बिकॉज ऑफ इंजुरी द सेल डाइज, दैट इज कॉल्ड एज अ नेक्रोसिस. एंड द सेकेंड टॉपिक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेल सुसाइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एपोप्टोसिस. पर एपोप्टोसिस जो है वो सेल प्रोग्राम्ड वे में करता है, कंट्रोल्ड वे में करता है और केयरफुली करता है. ठीक है, अच्छा, एपोप्टोसिस होता किसके कारण है, बिकॉज ऑफ सर्टन सिग्नल्स गिवन बाय अवर बॉडी. ठीक है, सो एपोप्टोसिस इन्वॉल्व्स अ सेल डेथ बट इट बेनिफिट्स द ऑर्गेनिज्म एज द होल. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल आपको फिंगर्स का दिया है, डेवलपिंग फिंगर्स, और बाय एलिमिनेटिंग द पोटेंशियल कैंसर सेल्स. तो कैंसर सेल्स को भी जब ये करता है, मारता है, उसको भी एपोप्टोसिस कहा जाता है. ठीक है, सो इन डेथ, सेल डेथ, यू हैव लर्न दिस टू टर्म्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मियोसिस. नाउ so when we talked about the meiosis, it was been coined by, the name of the scientist has been given over here, so again please underline the name of the scientist is J.B. Farmer in 1905. okay, again kahan par hota hai, ye gametes mein hota hai, reproductive cells mein hota hai. meiosis mein hota kya hai, the number of chromosome is reduced to half, iske karan hum isko reductional division bhi bolte hain. okay, क्योंकि इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. ठीक है, द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस,
जो सेल में मियोसिस होता रहता है उसे हम बोलते हैं मियोसाइट्स, अंडरलाइन मियोसाइट्स। मियो का मतलब मियोसिस एंड साइट का मतलब है सेल। तो जो सेल में मियोसिस होता है वहां वो सेल को हम मियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस से हमें क्या मिलता है, एक सेल से चार सेल्स मिलते हैं, तो एक सेल से हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं। फ्रॉम अ डिप्लॉइड पेरेंट सेल वी आर गोइंग टू गेट फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल। डिप्लॉइड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक डिप्लॉइड सेल से हमें चार हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन एंड अंडरलाइन। फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल वी आर गोइंग टू गेट फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल। अगेन मियोसिस जो है वो दो इसमें कंप्लीट होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, दोनों को मिला के हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, प्लीज ये चीज अंडरस्टैंड करो। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि मियोसिस वन कुछ अलग है और मियोसिस टू कुछ अलग है। नहीं, मियोसिस इज मेड अप ऑफ मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है, मियोसिस वन में इसको हम हेटरोटाइपिक डिविजन बोलते हैं और मियोसिस टू को हम होमोटाइपिक डिविजन बोलते हैं। ऐसा क्यों है, जब हम इसका टाइप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, तब जब मियोसिस टू कंप्लीट होता है तब जाकर हमें चार हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलते हैं। ठीक है, इसको हम हेटरोटाइपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और जो मियोसिस टू है ना, ये सेम है लाइक माइटोसिस। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करो, मैंने क्या बताया आपको, जो मियोसिस वन है वो थोड़ा अलग है, उसमें आपको बहुत समझना पड़ेगा और आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। जबकि मियोसिस टू आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, क्योंकि मियोसिस टू इज सेम लाइक माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस टू इज सेम लाइक माइटोसिस। तो अगेन आई विल गो बैक टू द माय पीपीटी, वेट। हाँ, so as you can see this is a sperm, this is a egg, the chromosome, they are going to fuse and therefore meiosis is taking place. So let us understand the meiosis. So it is a division of a diploid germ cell. Diploid, abhi maine aap bataya, full set of chromosome which is going to reduce and the chromosome is going to become half. And how many daughter cells we are going to get? From one diploid cells, we are going to get four haploid daughter cells or a gametes, I can say. Okay? It occurs during gametogenesis. अब इसका मतलब क्या होता है? Gamete का मतलब क्या होता है? Male gamete and female gamete. Bio में genesis का मतलब होता है formation. So gametogenesis का मतलब है gamete का formation. ठीक है, इसके कारण हमें हैप्लॉइड फेज में इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज, रिस्टोर्स मतलब रखता है पूरा, उसके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। Now let us learn about what are the key features of meiosis. So it involves, as I've told you, उसके अंदर दो steps होते हैं, वो दो steps में complete होता है meiosis. Meiosis one and meiosis two. But only a single cycle of DNA is replicated. दो बार replication नहीं होता है DNA का. Next, it involves pairing of होमोलोगस क्रोमोजोम। अभी आपको ये पता है कि क्रोमोजोम्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब होता है सेम सेम क्रोमोजोम, और साथ में एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। रिकॉम्बिनेशन मतलब उसके साथ में रिकम्बाइन होना, यस, क्रोमोजोम्स का एक साथ रिकम्बाइन होना। अच्छा, मियोसिस वन जो है इट बिगिंस आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोजोम टू फॉर्म identical sister chromatid at the S phase. ठीक है, meiosis one में क्या होता है, कभी begin होता है वो
रेप्लिकेशन ऑफ पैरेंटल क्रोमोसोम, जिसके कारण दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको माइटोसिस बताया था कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। एस फेज भी आपको पता है, दैट इज अ सिंथेटिक फेज। फिर लास्ट में हमें फोर हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। कभी मिलते हैं? मियोसिस वन के बाद नहीं मिलते हैं, मियोसिस टू के बाद हमें चार हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू देख सकते हो कि देखो ये यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे, और फिर लास्ट में हमें कितने मिल गए, चार मिले हैं सेल्स। ठीक है, नाउ दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस वन एंड मियोसिस टू के अंदर भी ये चार फेजेस हैं। अभी ये सारे टर्म्स तो अगेन आपको पता ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियोसिस वन के जो भी फेजेस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन। सिमिलरली मियोसिस टू को भी हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टेलोफेज टू। इतना क्लियर है सबको? यस। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है आप देख सकते हो, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। प्रोफेज में क्या होता है बेटा, हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था प्रोफेज में, प्रोफेज में एक, मैं वापस आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आप भूल गए होगे तो एक बार रिविजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगता है, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, यस, और फिर वो तैयार हो जाता है फॉर नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बनने के कारण दोनों सेंट्रोमियर दोनों पोल्स पे चले जाते हैं, जिसमें से स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, और सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको मेटाफेज बोलते हैं। सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं और दोनों साइड से किससे लटके हुए हैं, वो लोग स्पिंडल फाइबर से लटके हुए हैं। स्पिंडल फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम सेंट्रोमियर। ठीक है, अच्छा, एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे आर बीन पुल्ड ऑन बोथ द पोल्स। ठीक है, दोनों पोल्स पे चला जाता है। और फिर लास्ट में टेलोफेज में हमने क्या पढ़ा कि टेलोफेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगता है, न्यूक्लियोलस आने लगता है। अब यहाँ पे कौन डिसअपीयर होने लगता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होने लगता है, सेंट्रोमियर डिसअपीयर होने लगता है, तो जिसके कारण एक सेल से हमें दो सेल मिलता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यही चीज आप देख सकते हो यहाँ पे भी हो रहा है। मियोसिस वन, ये देखो ऊपर वाला मियोसिस वन है और फिर उसी से ये मियोसिस टू हो रहा है। तो एक सेल है, एक से हमें कितने सेल मिला, देखो एक, दो, तीन, चार, चार सेल्स मिल गए हमें, है ना। यू जस्ट फॉलो द एरो मार्क, ये एरो मार्क यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से मियोसिस टू स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे चार सेल मिले। तो देखो प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रहा है, मेटाफेज में बीच में आ रहे हैं, एनाफेज में पोल पे जा रहे हैं, टेलोफेज में दो सेल बन गए। ठीक है, अब यही जो दो सेल है, अगेन आप देखोगे यहाँ पे यही जो दो सेल है, आप नीचे डायग्राम में देखो, अब यही दो दो सेल का हम मियोसिस टू होगा। अब ये मियोसिस टू से ये दो सेल से और दो सेल बन गए, मतलब ये एक से दो, ये एक से दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये वाला जो सेल है यहाँ पे जो एरो मार्क आया, अब ये प्रोफेज टू करेगा, वापस कंडेंसेशन हो रहा है, फिर मेटाफेज में बीच में आ रहा है, फिर एनाफेज में पोल्स पे जा रहा है, फिर टेलोफेज से दो बन रहे हैं, फिर प्रोफेज टू में ये सेकंड वाले का भी वैसे ही हो रहा है, हाँ कंडेंसेशन हो रहा है, मेटाफेज में बीच में आ रहे हैं, एनाफेज पे पोल्स पे जा रहे हैं और फिर दो सेल बन रहे हैं। इतना क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू से यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यों हमें थोड़ा सा मियोसिस डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, इसीलिए लगता है बेटा, क्योंकि प्रोफेज जो यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पर प्रोफेज में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, मियोसिस वन का
प्रोफेज वन में बहुत सारे फेजेस हैं, वो अभी हम समझने वाले हैं। बाकी का सब सेम है, बाकी का ये सब सेम है, मेटाफेज वन सेम है, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ये बाकी का सब सेम है, सिर्फ मियोसिस वन का प्रोफेज वन में फर्क होता है। और फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग होने के वजह से देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ सेगमेंट्स, और मिक्सिंग ऑफ सेगमेंट्स होने के वजह से देयर इज अ वेरिएशंस कैन बी सीन। सो लेट अस सी नाउ मियोसिस वन का प्रोफेज वन। तो देखो प्रोफेज वन में भी पांच फेज होते हैं, प्रोफेज वन मियोसिस वन का प्रोफेज वन में पांच फेजेस हैं। कौन कौन से हैं? ये भी आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है बेटा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करो साथ में। मियोसिस वन का प्रोफेज वन में पांच फेजेस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, अभी देखो ये पॉइंट्स पे आओ। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। प्रोफेज वन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेज वन आप देख ही सकते हो यहाँ पे, उसके अंदर भी पांच फेजेस है तो ऑब्वियसली लॉन्गर है। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम में कुछ तो बदलाव हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो कुछ तो हो रहा है। यस, तो वो कुछ तो क्या है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट। सो इट इज अ लॉन्गर एंड अ कॉम्प्लेक्स फेज। इसके अंदर पांच फेजेस हैं, कौन कौन से हैं, जो अभी मैंने अभी आपको बताया, लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर आएगा पेकाइटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, और फिर आएगा लास्ट में डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो चलो पहले हम समझते हैं, लेप्टोटीन को समझते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन इज द, देखो अब ये सब फेजेस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जिसमें से ये वाले फेज को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है। तो लेप्टोटीन होता क्या है? तो लेप्टोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेप्टोनेमा। ओके, व्हाट हैपेंस ओवर हियर, द क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं ना बेटा, फाइबर्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो अब वो क्रोमोसोम बन गए हैं, लॉन्ग क्रोमोसोम बन गए, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन से दैट दे आर अंडरगोइंग कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन फाइबर इज गोइंग अंडरगोइंग कंडेंसेशन, और वो क्या बन गया, लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियर बड़ा हो गया, सॉरी, यस द न्यूक्लियस इज एनलार्ज, very clear to all of you, you can see here the nuclear envelope is there, the chromosome has become very big and the nucleus has also become very big. Next phase mein kya hota hai, zygotene mein is also called as a zygonema. Next wale phase mein aap dekh sakte ho ki the chromosome become more condensed, aur mota ho gaya chromosome, similar chromosomes start pairing together. सिमिलर क्रोमोसोम का मतलब क्या है बेटा, ब्लू वाला ब्लू के साथ जुड़ गया, ये वाला भी ब्लू का ब्लू के साथ जुड़ गया, रेड वाला रेड के साथ जुड़ गया, रेड वाला रेड के साथ जुड़ गया। यस, तो क्या बताया मैंने, सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, एक साथ आने लगे, जिसको कहा जाता है सिनेप्सिस। सो अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, सॉरी नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम, इन योर 11th का एग्जाम। ठीक है, व्हाट इज सिनेप्सिस, व्हेन द सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। ठीक है, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के कारण देखो ये वाला एक साथ जुड़ गया, ये दोनों भी एक साथ जुड़ने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे जुड़ गए, रेड एंड ब्लू जुड़ गया, रेड एंड ब्लू जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो जुड़ना है एक दूसरे का, दैट इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
वेरी क्लियर बेटा. नाउ द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये जो पेयर हुआ है रेड और ब्लू का जो पेयरिंग हुआ है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो आप यहाँ पे लिखा है बाईवैलेंट फॉर्मेशन. रेड एंड ब्लू का फॉर्मेशन इज अ बाईवैलेंट. तो देखो अब ये रेड और ब्लू का जो पेयरिंग हो रहा है उसमें आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, आपने सिनेप्सिस पढ़ लिया, आपने सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि वो लोग होमोलोगस क्रोमोसोम है, और साथ में चौथा पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि इट इज बाईवैलेंट. ठीक है ऑल ऑफ यू, इज दैट वेरी क्लियर? अगेन आई विल रिपीट, zygotene is the next step of second step of prophase 1. उसमें क्या होता है, चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है zygotene के. चार इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से, synapses, synaptonemal complex, homologous chromosome and the last one is bivalent. ये चारों का मतलब क्या क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्रोमोसोम ज्यादा मोटा हो गया है, वो बहुत ही कंडेंस्ड हो गया है, सिमिलर क्रोमोसोम वो साथ में आने लगते हैं. ठीक है देखो सिमिलर क्रोमोसोम वो साथ में आने लगते हैं, तो ये जो पेयरिंग होता है, पेयरिंग जो होता है इसी को बोला जाता है सिनेप्सिस. और ये जो पेयरिंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, वो किसके कारण जुड़े हुए, एक कॉम्प्लेक्स के कारण जुड़े हुए हैं, और वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है अच्छा ये जो जुड़े हुए हैं वो कौन से टाइप के क्रोमोसोम हैं, तो ये लोग हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है और क्योंकि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज दी बाईवैलेंट, ये एक पेयर को हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं. आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दी पेकाइटिन, जिसको हम पेकाइनेमा भी बोलते हैं. अभी आप देख सकते हो डायग्राम से ही आप आसानी से समझ सकते हो, देखो ये बाईवैलेंट था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है, बाईवैलेंट है ये. तो देखो यहाँ पे ये भी एक लंबा सा प्रोसेस है या लंबा फेज है. ये जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होता है इनटू सिमिलर क्रोमैटिड्स. यू कैन सी दैट दे आर स्प्लिटिंग इनटू सिमिलर क्रोमैटिड्स एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ टेट्राड. ये स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं. इफ यू सी द डायग्राम ओवर हियर, देखो ये वाला डायग्राम में और ये वाला डायग्राम में फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स था. अब ये क्या हो गया है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो गया है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें स्प्लिटिंग हो गया है ना, ये पहले जुड़ा हुआ था यस, अब इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए इसके, ये स्प्लिट हो गया, तो अब ये क्या हो गया, टेट्रा. टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, फोर. अच्छा अब टेट्राड में क्या होगा, देखो appearance of recombination nodules at which crossing over occurs. तो देखो ये वाला एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो आप क्या देख सकते हो पेकाइटिन में, पेकाइटिन में हमें टेट्राड नजर आएगा. टेट्राड का मतलब क्या है बेटा, यही होमोलोगस, ये जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है हाँ वो स्प्लिट हो जा रहा है, उसके दो ये हो जा रहे, स्प्लिट हो जा रहा है और वो टेट्राड बन जा रहा है, और टेट्राड होने के बाद उसमें वो एक दूसरे से क्रॉस कर दे रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएंगे और इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन. पेकाइटिन होते होते रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, अभी मैंने बताया मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन. इसके बाद का स्टेप क्या है, अब देखो यहाँ पे वापस मैंने दिया है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम. नाउ व्हाट इज दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, व्हाट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, देखो रेड वाला और ब्लू वाला ये एक दूसरे से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, इसलिए हम इसको नॉन सिस्टर बोल रहे हैं.
ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोजोम, ये और ये दोनों सेम क्रोमोजोम है इसलिए होमोलोगस क्रोमोजोम है, पर रेड वाला और ब्लू वाला दोनों एक दूसरे से क्या है, नॉन सिस्टर है ना, ये दोनों रेड सिस्टर है, ये दोनों ब्लू सिस्टर है, पर ये रेड और ब्लू नॉन सिस्टर है. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज अ रिकॉम्बिनेज. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? पेकाइटिन ऑल्सो, यस और नो? यस. ओके. Next is the next phase is called as a diplotene, which is also called as a diplonema. ठीक है? अच्छा, अब क्या हो रहा है? Again you can see with the diagram over here, chiasma visible. Chiasma का मतलब होता है crossing over. Yes, crossing over मतलब देखो अब क्या इसमें समझ सकते हो, ब्लू वाले में रेड का पार्ट आ गया और रेड वाले में ब्लू का पार्ट आ गया, है कि नहीं? ब्लू में रेड का पार्ट और रेड में ब्लू का पार्ट, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, चायज्मा विजिबल. चायज्मा का मतलब होता है, चायज्माटा का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर. एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये देखो ना, एक्स का एक शेप बना बन गया है ना, लेटर एक्स बन गया है, तो इसी को हम चायज्माटा बोलते हैं. तो क्या है लेटर सी, डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन होता है, मतलब वो अलग अलग होने लगते हैं. अब रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायोवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. अब ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगेंगे. सिर्फ कौन से जगह पे जुड़े हुए रहेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर पे जुड़े हुए रहेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ जहां पे चायज्माटा हुआ है. तो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज अ चायज्माटा. यस, चायज्माटा मतलब क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा तो चायज्माटा का मतलब क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है. वो कैसा दिखता है, तो एक्स शेप का दिखता है. अच्छा, अगर हम ऊ साइट के बारे में बात करेंगे, ऊ साइट का मतलब होता है एग सेल. हाँ, तो डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स आल्सो. कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन कुछ कुछ महीने या कुछ कुछ साल तक वही कंडीशन में वो रुका हुआ रहता है. नेक्स्ट फेज इज डायकाइनेसिस. अगेन आप देख सकते हो डायग्राम में आपको क्या नजर आया, टर्मिनाइलेशन ऑफ चायज्माटा, मतलब अब खत्म होने वाला. टर्मिनल मतलब अब खत्म होने वाला, चायज्माटा अब फॉर्मेशन खत्म होने वाला है. क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, अच्छी तरह से मोटा हो गया है क्योंकि ये प्रोफेज चल रहा है. मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होने लगेंगे क्योंकि अब मेटाफेज वन स्टार्ट होने वाला है. यस, न्यूक्लियोलर एंड न्यूक्लियोलस सब डिसअपीयर होने लगेंगे. अगेन देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे टूट टूट रहा है, मतलब कि ये डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि अब मेटाफेज शुरू होगा और मेटाफेज में ये सब कहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, इसलिए ये सब डिसअपीयर हो रहा है. वेरी क्लियर? मैं वापस रिपीट करती हूँ, प्रोफेज वन. इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, सो प्रोफेज वन में, हाँ, प्रोफेज वन लंबा फेज होता है. प्रोफेज मियोसिस वन का प्रोफेज वन में भी पांच फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. ठीक है, तो लेप्टोटीन में हमने क्या बताया बेटा, क्या हो रहा है लेप्टोटीन के अंदर, आपको क्या याद रखना है कि जो क्रोमैटिन फाइबर है वो मोटे हो गए, लंबे हो गए, कंडेंस हो गए, अब वो क्रोमोसोम बन गए और न्यूक्लियस हमें काफी बड़ा नजर आने लगेगा. जाइगोटीन में हमें चार वर्ड का इंपॉर्टेंस है. चार वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग. ये पेयरिंग किसके कारण हो रहा है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के कारण हो रहा है. यहाँ पर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब सेम दिखने वाले क्रोमोसोम एक साथ आ गए हैं जिसके कारण बाइवेलेंट बन गया है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है पेकाइटिन. पेकाइटिन लंबा प्रोसेस है. क्यों लंबा है? क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. अच्छा, अब ये जो बाइवेलेंट है वो भी स्प्लिट होगा और जिसके चार हमें नजर आएंगे, चार क्रोमैटिड्स नजर आएंगे जिसे हम टेट्रार्ड्स बोलेंगे. ठीक है, और ये टेट्रार्ड्स के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा. यस, रिकॉम्बिनेशन होगा.
क्रॉसिंग ओवर किसके कारण होता है, एक एंजाइम के कारण होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन में क्या होगा, चायज्माटा फॉर्मेशन होगा। यस, हमें क्लियरली ये नजर आएगा कि ब्लू में रेड आ गया, रेड में ब्लू आ गया। यस, तो वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लोटीन कंडीशन, चायज्माटा फॉर्मेशन। And the last phase, that is the dikinesis, is chromosome or motor black color के हमें centromere भी नजर आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर भी अब नजर आने लगेगा, सेंट्रोजोम भी नजर आने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मेटाफेज शुरू होने वाला है, इसीलिए। सबको समझ में आ गया प्रोफेज वन? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल यस और नो बेटा। यस यस। ओके, अब क्या होगा बेटा, मियोसिस वन का मेटाफेज वन अब बहुत आसान है अभी आपको समझना। देखो, अब स्पिंडल फाइबर आ गए यहाँ पे, ये प्रोफेज वन है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेज वन। अब क्या होगा मेटाफेज में, ये दोनों इक्वेटर पे आएंगे, तो इक्वेटर पे कैसे आएंगे, स्पिंडल फाइबर के मदद से आएंगे, और स्पिंडल फाइबर किससे बनता है, सेंट्रोजोम से बनता है। तो स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम किधर आ जाएंगे, इक्वेटर प्लेन पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे, मतलब मिडल में आ जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ क्रोमोसोमल होमोलोगस क्रोमोजोम। हाँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में से जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्पिंडल फाइबर में से ये इस पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हो गया मेटाफेज वन कंप्लीट। अब एनाफेज वन में क्या होगा, फुल होगा। यू कैन सी नाउ दोनों क्रोमोजोम दोनों पोल पे जा रहे हैं। सो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के दोनों पोल पे चले गए। तो मेटाफेज पे ऐसा थे, एनाफेज पे अब ऐसा हो गए। टीलोफेज वन, टीलोफेज वन पे क्या होगा, ये जो दोनों मेनाफेज में जो गए थे अब ये दो सेल बन जाएंगे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस रीअपियर हो जाएगा, और हमें एक सेल से दो, पहले मियोसिस वन से कितना मिलता है बेटा, दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लिया मिलता है। यस, ये सब छोटे छोटे चीजों को समझ कर लो। एक डिप्लॉइड सेल से मियोसिस वन के बाद हमें दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लिया मिलता है, और मियोसिस टू के बाद यही दो का हमें चार मिलेगा। ठीक है, तो टीलोफेज में इसको डायड बोलते हैं, और फिर मियोसिस टू के बाद इसको टेट्रार्ड्स बोलेंगे। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, ये तो न्यूक्लिया का डिविजन है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। इट मे नॉट ऑल्सो अकर। So after a short interphase, it is followed by meiosis two. This short stage between the two meiotic division is called as interkinesis. Again, can be asked in for the exam. What is interkinesis? Meiosis one or meiosis two का जो gap है, जो बीच में जो short interval है. Yes, that short stage between one and two division is called as interkinesis. So DNA replication does not occur in this phase. Very clear, all of you, सबको इतना समझ में आ गया है, किसी को कुछ डाउट है? Anyone is having any sort of doubt? Yes or no तो बोलो।
Yes, so let us have just a recap once again so that we have learned meiosis one. Okay. Again, I'm repeating, in meiosis one, from one diploid cell, we are going to get four haploid daughter cell. ये हमेशा गैमेट में होता है, इसलिए गैमेट बनने में मियोसिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन. ठीक है, इससे ये फर्टिलाइजेशन में क्यों होता है, मियोसिस होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन में फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा. तो मियोसिस कंप्राइजेस ऑफ वन एंड टू. ठीक है, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है और फोर सेल्स मिलते हैं. सो मियोसिस वन में भी ये चार फेजेस है एंड मियोसिस टू में भी ये चार फेजेस है. तो आज हमने ये मियोसिस वन, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, वन प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सेल था, मियोसिस वन करने के बाद ये दो सेल बना, यही जो दो सेल है ये मियोसिस टू करने के बाद चार सेल बनता है. ठीक है, सो मियोसिस वन में भी प्रोफेज वन में चार फेजेस है, एज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. अगेन जस्ट अ रिकैप फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. लेप्टोटीन में कुछ ज्यादा होता नहीं है, जस्ट क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, न्यूक्लियस हमें बड़ा नजर आने लगता है. यस, जाइगोटीन में हमें दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, सो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसके कारण बायवैलेंट दिखते हैं हमें वो. ये बायवैलेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और ये पेयरिंग को हम सिनैप्सिस बोलते हैं. प्रोफेज वन का पेकाइटिन काफी लंबा फेज होता है क्योंकि यहीं पे क्रॉसिंग होता है, यहीं पे रिकॉम्बिनेशन बनता है या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए ये लंबा फेज है. तो यहीं पे रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज अ वेरी, बिकॉज यहाँ पे स्टार मार्क क्यों डाला है, बिकॉज पेकाइटिन का क्रॉसिंग ओवर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, सो यहीं पे रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है. सो क्रॉसिंग ओवर किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेज एंजाइम. नेक्स्ट, डिप्लोटीन की अगर हम बात करेंगे तो डिप्लोटीन के अंदर हमें चायजमाटा फॉर्मेशन दिखेगा. चायजमाटा फॉर्मेशन इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर देर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज वी कैन सी ओवर हियर, एंड इट इज टेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग लुकिंग लाइक अ एक्स स्ट्रक्चर. सो एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ चायजमाटा, और ऑल्सो वी कैन से एज अ क्रॉसिंग ओवर. सो इन द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन, दैट इज डाइकाइनेसिस, व्हाट विल हैपन, द चायजमाटा का पूरा टर्मिनेशन हो जाएगा एंड वी कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो इन दिस डायग्राम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस इज डीजेनरेटिंग. यस, बिकॉज द मेटाफेज इज गोइंग टू ऑन. So in metaphase, as always we have seen that metaphase में क्या होता है, all the chromosomes they are coming to the equatorial plane. So here also the chromosomes are coming to the equatorial plane with the help of spindle fibers, and the spindle fibers are coming from this centrioles. So now in anaphase, because of this spindle fiber contraction, both the this thing will be pulled on the opposite poles. So homologous chromosomes they will separate. Okay, and in the last telophase one, what will happen, ye jo hai isse egg cell ban jayega, ye jo niche ka hai isse egg cell ban jayega. So nuclear membrane aa gaya, nucleolus aa gaya, sab reappear ho gaya, aur fir cytokinesis ho bhi sakta hai aur nahi bhi ho sakta hai, that depend upon cell to cell. Very clear? दो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक शॉर्ट इंटरवल होता है, शॉर्ट स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो ना, इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी. सो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इज टू राइट डाउन ऑल द स्टेजेस. वेट, आई विल शेयर द टेक्स्ट बुक ऑल्सो.
तो देखो टेक्स्ट बुक में आप टेक्स्ट बुक पढ़ना, पढ़ने के बाद आपको सब चीज समझेगा और नहीं समझेगा तो आई एम देयर. ठीक है, मैंने आपको पीपीटी में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए. यू कैन सी दिस डायग्राम इज बीन गिवन, द सेम डायग्राम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ. ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इज टू राइट डाउन अबाउट मियोसिस वन. मियोसिस वन पूरा आपको लिखना है इन शॉर्ट विद स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन विद द डायग्राम. ये सारा डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन सबका डायग्राम्स भी ड्रॉ करना है. मेटाफेज वन का ये डायग्राम ड्रॉ करना है, एनाफेज वन का ये डायग्राम ड्रॉ करना है एंड टीलोफेज का भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. यू कैन सी एग्जाम में भी ऐसे आएगा? हाँ, ये ऑब्वियसली बेटा. Yes, अगर डायग्राम है उसके ऊपर नेमिंग भी कर सकते हैं ना. हाँ, नेमिंग भी आएगा. हाँ हाँ, सी एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसा होता है, या तो आपको डायग्राम देंगे, आपको लेबलिंग पूछेंगे, ठीक है, या फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, समझा, या फिर आपको सिर्फ एक डायग्राम दे दिया और ऐसे समझो ये वाला डायग्राम दे दिया आपको और आपको पूछा है कि एक्सप्लेन द फेजेस, एक्सप्लेन व्हाट इट इज. You should know this is leptotin, zygotin, pecytin. If you can see the crossing over, yes, then that is a prophase one or meiosis one ka stages hai. For one mark or one stages can be asked. Jaise leptotin ke baare mein aapko one mark pucha ja sakta hai, zygotin ke baare mein one mark ke liye pucha hai. अगर वन मार्क के लिए पूछा है तो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है. But if the question is for two mark or three mark, yes, the diagram is compulsory. ठीक है, ऑल द डायग्राम्स ऑफ दिस सेल डिविजन्स आर इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी ऑल्सो. सो सी साइटोकाइनेसिस वन वॉज नॉट बीन देयर इन योर दिस पीपीटी. तो साइटोकाइनेसिस वन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिविजन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिविजन. सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरकाइनेसिस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है जिसके कारण दो हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड. एंड दिस मियोसिस टू वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, नॉट नाउ. सो होमवर्क आप सबको समझ में आ गया है बिकॉज यू आर राइटिंग अ नोट्स.